नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए ब्लॉग में। और जैसा कि आप सभी लोग देखते भी आ रहे हैं, मैं लगातार आपको कांवरिया पथ का अपडेट दे रहा हूं। और अभी फिलहाल हम लोग हैं बीएड कॉलेज के सामने। आप देख सकते हैं यहां पे कि एक बहुत बड़ा यहां पे पंडाल का भी निर्माण किया जा रहा है श्रावणी मेला को लेकर के, वो मैं आपको दिखाने वाले हैं आगे वीडियो में। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें। आप देख सकते हैं कि इधर पूरा जो है टेंट वगैरह अभी लगाया जा रहा है, और पूरा मैं आपको दिखाते किस प्रकार अंदर का भी काम वगैरह चालू किया गया है श्रावणी मेला को लेकर के देवघर में। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं सब कुछ आगे में, बने रहिए हमारे साथ। तो अभी आप देख सकते हैं कि बाहर में कुछ इस प्रकार जो है इसका तैयारियां हुआ है, और चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं किस प्रकार अंदर में कितना बड़ा जो है इसका पंडाल का निर्माण किया गया है। मैं आपको चलिए चल के दिखाते हैं। फिलहाल जो है अभी इसको पूरा नॉट और भर्तू से पूरा कसा गया है, पूरा इसका जो है स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, और इसमें बहुत जल्द जो है कि जितना भी इसका तिरपाल या फिर जो कपड़ा से वो पूरा ढका जाएगा, आपको मैं दिखाएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस बार चल के दिखाते हैं किस प्रकार कितना बड़ा ये जो है पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आपने देखा कि ये था इसका बाहर का दृश्य, और यहाँ से अंदर इसका जाता है मेन गेट। ठीक है, तो ये बीएड कॉलेज का है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए किस प्रकार ये जो है इस पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। बहुत बड़ा है, मैं आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना इसका बड़ा डिस्टेंस है, पूरा एकदम भयानक बनाया जा रहा है। और यहाँ पर भी कांवरिया जो है विश्राम करते हैं, यहाँ पर भी ठहरते हैं लगातार, यहाँ पर भी जो है प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ देख सकते कुछ इस प्रकार जो उधर और एक बनाया जाएगा, उस साइड में आप जो देख रहे हैं एंगल वगैरह रखा हुआ, उधर भी एक और निर्माण किया जाएगा फिलहाल। और ये देख सकते हैं इसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, और इधर एक ये जो है निर्माण अभी हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, और यहाँ हर एक साल श्रावणी मेला में कुछ इस तरह का जो है इस पंडाल का कार्यक्रम यहाँ पर काम वगैरह चलते रहता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ देख सकते हैं कुछ इस प्रकार अभी ये बनने का काम चल रहा है। ठीक है, तो इधर देखिए किस प्रकार जो है इसका पूरा रस्सी वगैरह है, और पूरा ये बांधा जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका पूरा बड़ा बहुत भयानक एकदम देखने को मिलता है जब बन जाएगा पूरा। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, फिलहाल अभी मैं आपको इसका जो है पूरा दृश्य एक बार दिखा दी कि किस प्रकार कितना बड़ा ये जो बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा एकदम आपका वहाँ से लास्ट से एकदम लेकर के, और ये यहाँ शुरू जो आपका फर्स्ट मेन गेट है यहाँ तक ये बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो यहाँ का ये निर्माण हो रहा है। फिलहाल मैं आपको जितना भी जहाँ देवघर में जो भी अभी तैयारियाँ हो रहा है वो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस वीडियो को लाइक करें। और जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आपका क्यूरी है, जहाँ का कुछ देखना चाहते हैं, तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में बताएँ, और मैं अगले वीडियो में वो दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज ये सारा चीज़ मैं आपको अपडेट दिए, क्योंकि ये बीएड कॉलेज में ये निर्माण हो रहा था इस पंडाल का, और बहुत बड़ा है। आप फिलहाल देख लें चारों तरफ जो है इसका बाउंड्री देखें कुछ इस प्रकार है, और इसी के बीच में ये बनाए जा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों जहाँ पे ये पंडाल का निर्माण हो रहा है अभी हम लोग अंदर में हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और ये पूरा जो यहाँ से और वहाँ का जो डिस्टेंस होगा तकरीबन 200 फीट होगा। ठीक है, और बहुत बड़ा यहाँ का जो है पंडाल का निर्माण हो रहा है फिलहाल देख सकते हैं। और चलिए आगे में जो है आपका कांवरिया पथ का उधर काम हो रहा है फिलहाल, जहाँ पे कांवरियों को घुमाया जाता है, आपका बरमसिया का लोकेशन हो गया, नंदन पहाड़ हो गया, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें अभी फिलहाल, और देखते रहें। दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल बरमसिया से गांधीनगर आ चुके हैं, और फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो पूरा जो श्रावणी मेला का है वो यहाँ पे काम वगैरह स्टार्ट कर दिया गया है। आपको मैं बैक कैमरा करके अभी फिलहाल दिखाते हैं किस प्रकार जो है यहाँ पे एंगल वगैरह गाड़ा गया। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू आप वीडियो में देखते रहे। दोस्तों आप देख सकते कि इधर का जो है श्रावणी मेला का तैयारी बरमसिया से जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार जो है इधर आपका हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा एंगल का लोहा का एकदम यहाँ पे नट से एकदम कसा हुआ है, और फिलहाल जितना भी कांवरिया पथ जो है थोड़ा चौड़ा किया जा रहा है एकदम ईंटा से, आप देख सकते हैं इधर लगाया जा रहा है। और फिलहाल मैं चलेंगे आपको पूरा देखते हैं किस प्रकार कहाँ तक इसका काम वगैरह हुआ है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल आप जितना भी कांवरिया पथ का काम है वो मैं देवघर का आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। फिलहाल आप देखते हैं कि आगे का क्या और उधर प्रक्रिया है काम का, चलिए दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आपको कांवरिया पथ का जो भी इधर तैयारियां हो रहा है मैं आपको दिखाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और फिलहाल देख सकते हैं इधर जो है रोड का चौड़ाई थोड़ा हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लगातार जो है इनका काम वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है, और जो भी इसका छोनी का ऊपर का एंगल वगैरह है वो यहाँ पर लगाया गया फिलहाल देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और ये पूरा कांवरिया पथ जो आपका होगा जितना भी लाइन लंबा लगेगा ये पूरा आपका इधर से घुमाते हुए आगे की ओर ले जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाते हैं
कहाँ तक इस तरह का अभी तैयारियाँ हुआ है मैं आपको सब कुछ आगे चल के दिखाने वाले हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दें। आप देख सकते हैं कि इस कड़ी धूप में निकल चुके हैं साइकिल से, फिलहाल आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि जितना वीडियो को लाइक शेयर आप लोग लगा सकते हैं लगा दीजिएगा। और ये देख सकते हैं इधर से आपका नंदन पहाड़, काली बाड़ी और दुर्गा बाड़ी सब कुछ इधर से आगे निकलता है। और पिछले साल जो था कि पूरा बांस का लगा हुआ था जिससे कि काफ़ी दिक्कत कांवरियों को हो रहा था और एक साइड सिर्फ यहाँ पे छारा गया था। फिलहाल इस बार जो है पूरा रोड आपका देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा आपको छाप किया जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग दुर्गा बाड़ी इधर से जो आपका जाता है वो मैं आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि कांवरिया पथ में किस प्रकार जो आपका काम वगैरह हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा एंगल वगैरह जो है नट से यहाँ पे कस करके उसको फिक्स किया जा रहा है और ये जो काम है इधर बहुत तेज़ी से इधर भी हो रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है यहाँ पे कांवरिया पथ में इसका काम अभी चल रहा है। और देवघर में भी बहुत ज़ोरों शोरों से जो है आपका श्रावणी मेला का काम करना प्रारंभ कर दिया है। इधर दिखाते मैं आपको किस प्रकार जो है यहाँ का मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, लेबर लोग जो भी यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं और बहुत तेज़ी से काम वगैरह यहाँ पे किया जा रहा है। मैं आपको बैक करके पूरा दिखाते हुए चलते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है काम वगैरह स्टार्ट हुआ है। और पीछे भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि उधर से जो है पूरा उधर कस करके उसको खड़ा कर दिया था और इस बार जो है इधर पूरा भी यहाँ पर भी काम वगैरह चालू कर दिया गया है। और पूरा चलते हैं आपको बैक करके दिखाते हुए चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे छाव में हम लोग रुके हुए थे, काफ़ी धूप है आपको मैं दिखाते हुए देखिए साइकिल से एकदम चल रहे हैं। कितना आप लोग के लिए मेहनत में लगातार रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ। तो फिलहाल आप लोग इस वीडियो को जितना होगा लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे साथ अभी बने रहे अंत तक। वीडियो को देखें किस प्रकार आगे में उधर आपका है नंदन पहाड़ में आपको दिखाएंगे उधर किस प्रकार जो है तैयारियां उधर हुआ है। चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इधर देख सकते हैं पूरा इस तरह जो है साइड में दोनों यहाँ पे एंगल वगैरह रखा हुआ है और इधर पूरा देख सकते कुछ इस प्रकार ये लोग नट के माध्यम से कस करके उसको खड़ा किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है इधर कांवरिया पथ का काम भी चल रहा है और दोनों साइड देख सकते हैं कितना तेज़ी से यहाँ पे जो है गड्ढा वगैरह इसका खोद करके और ये एंगल को खड़ा किया जा रहा है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार इसका एंगल यहाँ पे गिराया जा रहा है और ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार इसका खुदाई हो रहा है। और चलिए लेकर चलते हैं आपको आगे की ओर और आगे में दिखाते हैं उधर का जो तैयारियाँ हैं वो किस प्रकार अभी किया जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम लोग हैं नंदन पहाड़ के पास और ये जो आपका गली रोड गया है ये पूरा आपका पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और इधर से आपका पूरा रिंग रोड घूमेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ और इधर से पूरा जो है कांवरिया पथ में आपको पूरा घुमाया जाता है श्रावणी मेला में, ठीक है। और इधर से भी कुछ अगर कांवरिया जब बढ़ते हैं तो इधर भी घुमाया जाता है। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलते हैं। तो फिलहाल अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा कि इधर जो है बांस वगैरह इधर भी गाड़ा गया है और आगे लेकर चलते हैं आगे में किस प्रकार इसका जो है तैयारियां हो रहा है मैं आपको चल के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इधर जो है आपका सावन में लाइन लगना पड़ता है, जब पूरा कांवरिया का भीड़ हो जाता है तब इधर आपको घुमाया जाएगा और पूरा इसका जो है लाइन आपका कुमेठा तक लग जाता है, ठीक है। तो जब इधर पूरा तैयारी हो जाएगा पूरे तरीके से तो उस समय मैं आके आपको अच्छे से दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इधर बांस वगैरह जो है अभी गाड़ा गया है फिलहाल और ये देख सकते हैं कहीं कहीं पे जो है इकट्ठा भी किया गया है। तो फिलहाल दोस्तों आपका ये जो ऊपर का है ये नंदन पहाड़ है और ये रिंग रोड से घुमाया जाता है कांवरियों को। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसका पूरा बांस वगैरह इधर भी गिराया गया है और ये देख सकते हैं इधर से पूरा कांवरिया गुजरते हैं चारों तरफ इसका नंदन पहाड़ का जो है रिंग रोड में। और यहाँ पर शायद इसका जो है सूचना केंद्र वगैरह बनाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो है यहाँ पर जो काम करते हैं वो फिलहाल यहाँ पर बैठते हैं छाव में रहते हैं फिलहाल। और ये देख सकते हैं इधर से आपका कांवरिया पूरा आता है इधर देख सकते हैं आप। और चलिए अभी मैं आपको लेकर चलते हैं इधर पूरा देखते हैं आगे में किस प्रकार जो है उधर तैयारियां हुआ है और किस प्रकार जो है इस बार जो क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है जो पिछले साल से इस बार क्या अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग नंदन पहाड़ का जो है रोड से गुजर रहे थे तो फिलहाल यहाँ पे देखे मैंने कि जो श्रावणी मेला का जो है वो तैयारी के लिए यहाँ पे देख सकते किस प्रकार बांस ट्रकों के द्वारा एकदम गिराया जा रहा है और कितना दूर दूर से ये बांस लाया जा रहा है आप देख सकते हैं। ये वेस्ट बंगाल से लाया जा रहा है, ठीक है। आपको मैं दिखाते हैं बैक करके और इधर देख इधर का जो है तैयारियां इधर शुरू कर दिया गया है रोड में, आगे हम चल के आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल आप देखते रहें वीडियो को और वॉच करें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है बांस का यहाँ पे गिराव किया जा रहा है और लगातार जो है उधर का काम करते हुए जो है भाई लोग आ रहे हैं और इधर से जो है आपका और पूरा ये जो रोड आपको मैं रिंग रोड जहाँ तक दिखाएं वहाँ तक पूरा इसको छोनी किया जाएगा, पूरा एकदम छाड़ दिया जाएगा और इसके बीच में जो है कांवरिया इधर से गुजरेगा और ज़्यादा भीड़ होने के बाद इधर लाइन आपका आता है, ठीक है। तो चलिए आके हम लेकर आपको चलते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार जो है उधर का तैयारियां हो रहा है। फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर जो है ट्रक के द्वारा ये बांस वगैरह यहाँ पे गिराया जा रहा है और कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं एकदम लंबा लंबा बांस जो है आपका ये बहुत दूर से लाया जा रहा है वेस्ट बंगाल तरफ से, ठीक है।
तो इधर आप देख सकते हैं कि जो है श्रावणी मेला का यहाँ पे तैयारी शुरू कर दिया गया है नंदन पार्क का रोड में। और फिलहाल आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है इसका इधर पूरा रास्ता जो है पूरा एकदम छारते हुए जा रहे हैं, और उधर जो है बांस का गिराव किया जा रहा था, फिलहाल आपको मैंने पीछे दिखाए। और इधर से आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं तो इधर देखा जाए तो पूरा कांवरिया पथ में इधर जो है आपका बांस वगैरह बांधा गया है। और फिलहाल जो है आपका ये पूरा दो चार दिन जो आपका एक सप्ताह लगेगा उसके बीच में पूरा यहाँ पे पंडाल का जो है इस तरफ तिरपाल वगैरह यहाँ पे छारा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे में देखेंगे किस प्रकार जो आगे का है वो काम वगैरह हुआ है। तो दोस्तों इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है काम वगैरह चल रहा है श्रावणी मेला का। और ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पे गड्ढा खोद करके और ये बांस को यहाँ पे गाड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और ये पूरा आपका यहाँ का है कालीबाड़ी का मोड़ का जो है ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे में किस प्रकार इसका तैयारी हुआ है। फिलहाल अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार जो है दोनों साइड जो है यहाँ पे बांस वगैरह बांधा गया है और यहाँ पर भी काम वगैरह चल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और आगे का दृश्य दिखाते हैं आपको किस प्रकार जो है इधर काम वगैरह और हुआ है। तो देख सकते हैं ये पूरा रोड जो है आपका ये छाव किया जाएगा एकदम श्रावणी मेला में, एकदम पूरा छारा जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में यहाँ पर जो है बांस वगैरह बांधा गया है। तो फिलहाल दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार जो है देवघर का ये नंदन पार्क तरफ जो काम वगैरह हो रहा था, और मैंने आपको बीएड कॉलेज का भी वीडियो इसी में पूरा दिखाया। तो किस प्रकार आपको ये वीडियो लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिलहाल जितना भी जहाँ का अपडेट होगा वो मैं आपको देते रहेंगे, जितना भी कांवरिया पथ का। चलिए आज ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, हर हर महादेव और बोलबम के साथ। और आप लोग को वीडियो में अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।